एक व्यक्ति जिसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में होती है, उसमें बहुत शक्ति होती है, क्योंकि वो जब चाहे उन भावनाओं का इस्तेमाल कर अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। दिक्कत तब आती है जब हमारी भावनाएं हमारे अधीन नहीं होती, हमारी भावनाएं स्वयं ही कुछ ना कुछ कर रही होती है। तो जहां शांत रहना होता है वहां हम गुस्सा कर रहे होते हैं, और जहां बदलना होता है वहां हम मूक दर्शक बनकर बैठे रह जाते हैं। जरूरी है कि हम पहले अपनी भावनाओं को जानें। क्या क्या भाव हमारे अंदर सिमटे हुए हैं उनको जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए अंदर झांकना जरूरी है। ये झांकना सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान करवा सकता है। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं। एक शांत और आरामदायक जगह बैठ जाइए। ध्यान रखें कि जब आप बैठ रहे हैं सुखासन में बैठे, कमर सीधी रखें, आंखें बंद कर लें, चेहरे पर एक मन सी मुस्कान ले आएं, जबड़े को ढीला छोड़ दें, दांतों को भींचे नहीं, हथेलियों को अपनी गोद में रख लें, और अब एक लंबी गहरी सांस भरिए और इसे रोक लीजिए। और अब सांस को हम मुंह से छोड़ते हुए शरीर से सारे तनाव को बाहर जाने की इजाजत देंगे। एक और लंबी गहरी सांस भरिए, रोक लीजिए और सांस को छोड़ दीजिए मुंह से। एक और लंबी गहरी सांस भरिए, रोकिए और इस सांस को छोड़ते हुए अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, कमर को ढीला छोड़ दें, ध्यान अपने तलवों पर ले जाएं, पैरों पर ले जाएं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें इस हिस्से को भी। अपनी बाजुओं को ज़मीन की तरफ गिरने दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें, सारी मांसपेशियों को शांत होने दें, स्थिर कर ले शरीर को, किसी भी तरह की हरकत ना होने दें शरीर में, और ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। ये सांस गहरी है या हल्की, देखिए कि सांस शरीर के किस किस हिस्से तक जा रही है। क्या रंग है आपकी इस श्वास का जानने की कोशिश करिए। क्या शरीर का कोई ऐसा हिस्सा है जहां तक सांस नहीं जा पा रही? और अब शरीर को और हल्का होने दीजिए। कहीं भी किसी भी तरह की रुकावट अगर आपको महसूस हो रही हो तो उस हिस्से में इस सांस को केंद्रित कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और उस हिस्से में केंद्रित करके अगली सांस छोड़ते हुए शरीर से उस ऊर्जा को निकल जाने दीजिए जो रुकावट पैदा कर रही हो। क्या ऐसे विचार हैं मेरे अंदर जो मेरी इस रुकावट को बना रहे हैं? ये रुकावट पहली बार कब प्रकट हुई? मैं ऐसे क्या विचार, ऐसी क्या भावनाएं अपने अंदर समेटे हुए हूँ जो इस रुकावट ने मेरे शरीर में घर कर लिया? एक लंबे गहरी सांस लेते हुए उस रुकावट वाले हिस्से तक इसे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए देखिए कि धीरे धीरे ये जो भी ऊर्जा थी अब टूटने लगी है और आपके शरीर से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने लगी है। शायद किसी सपने में या किसी से बात करते हुए आपको कुछ ऐसे जवाब मिल जाएं जो आपको इस परिस्थिति को समझने के काबिल बनाए और आपको इस भावना से हमेशा के लिए मुक्त कर सके। अपने आप को इस बात के लिए खुले दिमाग से तैयार रखें कि मेरे लिए प्रकृति हर पल हर तरह से समाधान भेज रही है। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए शरीर में पूरी तरह से शांति को भरने दें, स्थिरता आने दें। इस स्थिरता को महसूस करिए, किस तरह सिर्फ और सिर्फ सांस के आने जाने से आपके छाती और पेट में बदलाव आ रहा है, बाकी पूरा शरीर बिल्कुल जड़ हो चुका है।
और इसी तरह से अब आपको हर परिस्थिति को देखना है, अपने शरीर को, अपने मन को पूरी तरह से वर्तमान में शांत करने के बाद एक तीसरे व्यक्ति की तरह हर परिस्थिति को देख के भापना है कि इस परिस्थिति में ऐसा क्या है जो मेरी किसी भी भावना को उजागर कर रहा है। क्या उसकी ज़रूरत है या क्या ये परिस्थिति मेरे जीवन में किसी तरह का लंबा गहरा असर डालने वाली है। अगर नहीं तो अपने चेहरे पर एक मन सी मुस्कान लाएं और अपनी उस दिव्य शक्ति से कहें कि आपको वो ज्ञान वो विवेक दे कि आप इस परिस्थिति को सबसे बेहतरीन तरीके से देख सकें और इससे निकल सकें। प्रेम का एक भाव अपने पूरे शरीर में भरने दें। एक दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर को घेर रहा है, देखिए, और इस प्रकाश के सहारे आप ना सिर्फ अपने विचार, ना सिर्फ अपने भाव, बल्कि दूसरों के भाव को भी शांत कर सकते हैं। चेहरे पर हमेशा एक मन सी मुस्कान रखते हुए हम अपने शरीर को सकारात्मक ऊर्जा के लिए तैयार कर देते हैं, जिससे हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं भी धीरे धीरे सकारात्मकता की तरफ चलने लगती हैं। कुछ पल अब हम इसी स्थिति में शांत रहकर अपने अंदर इसको समाएंगे, जिससे हम अपने जीवन में भी इसको इस्तेमाल कर सकें। कुछ पल शांत रहें और अब धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने शरीर में लाएं, अपनी मुस्कान को और बढ़ने दें। एक सकारात्मक ऊर्जा अपने पूरे शरीर में महसूस करें। एक नई उत्सुकता के साथ अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरा ध्यान वापस शरीर में, और अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इसे आँखों पर रखते हुए धीरे से आँखें खोलिए। स्वागत है आपका। आज के लिए इतना ही। इसे पूरे दिन हर पल इस्तेमाल करें।